बीजेपी की सदस्यता अभियान को गति देने के लिए हरिद्वार के सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बुलंदशहर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने खुर्जा में पॉटरी व्यापारी के साथ मेनास पॉटरी का भ्रमण किया। उन्होंने देखा किस तरीके से डेली यूज में होने वाली चीज बनाई जा रही है। वहीं उन्होंने पॉटरी व्यापारियों के साथ संवाद भी किया। इससे पहले कल रात बुलंदशहर के एक होटल में उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी किया था। इस दौरान उनके साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। तो हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय बुलंदशहर के दौरे पर है, जहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेनास पॉटरी का भ्रमण किया। डेली यूज में इस्तेमाल होने वाली चीजें किस तरीके से बनाई जाती है, इसका अवलोकन उनकी ओर से किया गया। सांसद ने पॉटरी व्यापारियों के साथ संवाद भी किया और कल रात आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया था, जिस दौरान पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की थी। भारतीय जनता पार्टी हर तबके तक पहुंच रही है। सदस्यता के माध्यम से कई तरह की जो भ्रांतियां हैं, कार्यकर्ता उन भ्रांतियों को भी दूर करने का काम कर रही हैं। और जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट लगभग अचीव कर लिया गया है। अभी 25 तारीख तक ये अभियान चलेगा और 25 तारीख को हर बूथ पर बृहद अभियान चलेगा, जिस दिन एक प्रत्येक बूथ पर एक प्रवासी कार्यकर्ता होगा जो पूरा दिन वहाँ पर सदस्यता अभियान को अंजाम तक पहुँचाएगा। देखो, कुछ लोगों के दिमाग का दीवाला निकल गया है। उनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है। किसी भी देशवासी के लिए वो जहाँ पर रह रहा है उसका सर्वोच्च सम्मान और सर्वोच्च स्थान उसके लिए उसके देश का होना चाहिए, उस देश के मान बिंदुओं का होना चाहिए, वहाँ के महापुरुषों के प्रति होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक आध बार पहले भी इस तरह की बात सामने आई है। तो ये अत्यंत खेदजनक है। और उनको अगर फिलिस्तीन प्यारा है तो भाई फिलिस्तीन जाइए, आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं, आप जाइए। देखिए, बहुत बड़ा सुधार है। भारत आज़ादी के बाद कई चुनाव एक साथ हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से, दल बदल के कारण, अनेक कारणों से चुनाव फिर अलग अलग समय को होते चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा सुधारवादी राजनीतिक निर्णय लिया है ये, और मैं समझता हूँ कि इससे देश का धन भी बचेगा, जो धन का अपव्यय होता है वो भी बचेगा, देश की ऊर्जा भी बचेगी और उससे बड़ा देश का समय बचेगा। अभी कोई साल ऐसा नहीं है जब चुनाव नहीं होते, लीडर चुनाव में है। तो ये सब चीज़ें एक साथ हों, एक बहुत बड़ा निर्णय है, उनकी इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए।